स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम्स जैसे कि डर्मिकम ओसी, बेटनोवेट, पैंडम, मेडिसैलिक. दीज क्रीम्स हैव बीन मिसयूज्ड अ लॉट. दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रीम्स टू बी यूज फॉर डिफरेंट एक्जीमाज एंड स्किन एलर्जीज. बट वी एज इंडियंस, बिकॉज दे आर सो ईजिली अवेलेबल, और बिकॉज यू नो हमने किसी बहन से पूछ लिया, किसी फ्रेंड से पूछ लिया, कोई पार्लर वाली ने बता दिया, हम ये क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं फॉर वेरी रॉन्ग थिंग्स सच एज फंगल इन्फेक्शंस, एक्ने, फॉर पिगमेंटेशन, एंड वी आर सीइंग द साइड इफेक्ट्स, रियली बैड, रियली स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू ऑल अबाउट दी साइड इफेक्ट्स, हाउ टू फाइट देम आउट एंड हाउ टू करेक्ट देम. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी क्रीम में स्टेरॉयड है? सबसे कॉमन स्टेरॉयड्स जो आजकल यूज होते हैं वो है मोमेटासोन, फ्लूटिकासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्लोबेटासोन. ये चार कंपाउंड्स आप देख सकते हैं आपकी क्रीम्स में लिखे हैं या नहीं. क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इन क्रीम्स के? पहले तो आपको ज़्यादा पिंपल्स आ सकते हैं, आपकी स्किन की लालगी बढ़ जाएगी, आपकी स्किन की सहनशीलता बहुत कम हो जाएगी, जिस वजह से आपको सनबर्न्स, आपको डिफरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसे कि मस्से, मुहासे, और पिगमेंटेशन भी ज़्यादा हो जाएगी. स्टेरॉयड की वजह से आपको चेहरे पर बहुत बाल भी आ सकते हैं और आपको झुर्रियाँ भी जल्दी पड़ सकती हैं. प्रॉब्लम ये है कि यदि आप स्टेरॉयड को जल्दी बंद नहीं करेंगे, ये सारे डैमेजेस परमानेंट भी हो सकते हैं. सो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पर आइडेंटिफाई करें और अपनी क्रीम को बंद करें सबसे पहले. अब यदि आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और आप अपनी स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं, तो मेरे ये टिप्स हैं जो आपको मदद करेंगे. सबसे पहले, स्टेरॉयड क्रीम को बंद करने पर आपकी स्किन और लाल होगी. घबराइएगा नहीं, ये नॉर्मल है. इसे विड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं, एडिक्शन है ये एक प्रकार की. तो जब भी आप कोई एडिक्शन में बंद करते हैं अपना ड्रग, तो आपकी शरीर उस ड्रग को मांगती है, जिस वजह से वो रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. आपको सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, जलन, लालगी, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे. तभी भी आपने घबराना नहीं है, स्टेरॉयड क्रीम वापस नहीं लगानी है. आपने क्या करना है कि एक बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड क्रीम्स एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं. आपने एक सनस्क्रीन यूज़ करनी है जो स्ट्रॉन्ग हो, मॉइस्चराइजिंग हो, और जितना हो सके एक के ऊपर एक क्रीम्स यूज़ करने हैं. आपका क्लेंजर और फेस वॉश बहुत ही माइल्ड होना चाहिए, तो आपको इरिटेट ना करे स्किन को. आपको हमेशा अपने स्किन को सॉफ्ट रखना है. जितना हो सके कोल्ड वाटर से ही अपना फेस वॉश करें. आइसिंग कर सकते हैं आप, जिससे आपका फेस ज़्यादा काम रहेगा. इस रिकवरी के फेज़ में आपने कोई भी कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करना है. आपने अपने मुहासे, एक्ने या पिगमेंटेशन के लिए कोई भी क्रीम अभी स्टार्ट नहीं करनी है. पहले आपकी स्किन को ठीक होने दीजिए, फिर बाकी चीज़ों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए. और यदि आपको स्किन इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो आप एंटी हिस्टामिनिक्स जैसे कि लीवोसिट्रिजिन ले सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा पैसिफाइंग इफेक्ट देंगे, थोड़ी सी रेडनेस कम कर देंगे. फिर भी अगर आपको राहत ना पड़ रही हो और आप स्टेरॉयड ना छोड़ पाए या रेडनेस बहुत ज़्यादा हो, प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ताकि वो आपको थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प दें और आपकी स्किन को जल्द से जल्द ठीक करने में हेल्प करें. थैंक्स.